नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मशहूर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की नट्टू काका 67 साल की उम्र में हुआ निधन। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा नट्टू काका किरदार निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता घनश्याम नायक लंबे समय से कैंसर से जूझने वाले परिवार का हुआ रविवार को हुआ निधन। निर्माता असित कुमार मोदी ने उनकी जानकारी दी। नायक उम्र के 7वें दशक के अंतर्धाव में पहुंच गए थे। इस साल में शुरुआत में उन्हें कैंसर का पता चला। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय से अभिनेता का स्वास्थ्य खराब था। मोदी ने बताया कि आज शाम को उनका निधन हो गया। लंबे समय से स्वस्थ नहीं थे, उन्हें कैंसर था। वो हमेशा शूटिंग करना चाहते थे, तभी भी उनको ठीक नहीं थे। काम से वे हमेशा खुश रहते थे। इतना ही नहीं, मैं शो में लाने का मौका देखना चाहते थे उन्हें, लेकिन शूटिंग करना कठिन था। पिछले 2 दिनों से वह कुछ बिल्कुल ठीक नहीं थे। नायक के करीब 100 हिंदी के गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया था। 300 से अधिक टीवी धारावाहिक के मशहूर भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, गायक की गुजराती एक्टिंग के काम में भी जाना जाता था। इस साल में शुरुआती में नायक कीमोथेरेपी के दौरान तारक मेहता का उल्टा चश्मा के विशेष एपिसोड में शूटिंग के दौरान उनके परिवार में पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे थे। इतना ही नहीं, शुरुआत में उन्हें कैंसर का पता चला, लेकिन वो अपने काम को ध्यान के शुरुआत में अपना कैंसर भूल जाते थे।